देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक AEW का आज हुआ कोलिजन शो नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर AEW के TNT चैंपियन वार्डलॉ AEW का TNT चैंपियनशिप हमें लुचासोरस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइज यहां पर आज इन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में हमें बैक एंड फोर्थ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैच देखने को मिला, जहां पर आज इस मैच के अंदर ज़्यादातर टाइम पर वार्डलॉ इस मैच को डोमिनेट कर रहे थे, बट गाइज यहां पर मैच के एंडिंग पर जो होता है वो देखकर अरीना में क्राउड भी पूरी तरह से शॉक हो जाती गए, क्योंकि गाइज यहां पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर वार्डलॉ इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी सडनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर क्रिश्चियन केज मैच के अंदर इंटरफियर करते गए, और गाइज यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर लुचासोरस यहां पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए, जिसके बाद कि क्रिश्चियन केज TNT टाइटल के साथ वार्डलॉ के हेड के ऊपर अटैक कर देते गए, और गाइज इसी चीज का फायदा उठा के लुचासोरस वार्डलॉ के ऊपर एक बिग लैरियट हिट करते गए, और गाइज बिग लैरियट के साथ वार्डलॉ को हरा के लुचासोरस बन चुके हैं AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन। और गाइज क्रिश्चियन केज के इंटरफियर करने की वजह से वार्डलॉ AEW का TNT चैंपियनशिप हार चुके गए, और गाइज AEW के आज कोलिजन शो के ऊपर AEW ने उनका ब्रांड न्यू TNT चैंपियन लुचासोरस को क्राउन कर दिया है।